दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम टॉक्स में। और आज हम बात करने वाले हैं IPC को 23 भागों में बांटकर, ठीक है, जिससे कि आपको याद करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। जो 23 भागों में डिवाइड अलग अलग अपराध किए गए, जिससे क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। ये पार्ट वन है IPC का और पार्ट टू मैं अपलोड कर चुका हूँ, उसे भी देख लें। जिससे तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं IPC का कॉन्सेप्ट। दोस्तों यहाँ हम बात करेंगे IPC को पार्ट वाइज पढ़ेंगे। तो IPC को 23 भागों में बांटा गया है, या कहें कि 23 अध्यायों में बांटा गया है। अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि IPC के कितने अध्याय हैं, तो 23 अध्याय होते हैं, ठीक है। और इसकी कुल धाराएं होती हैं 511, आप लोग जानते ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे भाग एक में, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, भाग एक धारा 1 से 5 तक हैं, उन्हें कहते हैं भाग एक, ठीक है। इनमें धारा 1, 2, 3, 4, 5 में क्या दिया गया है, IPC के बारे में दिया गया है कि IPC होता क्या है, इसे कैसे लागू किया जाता है, ये सब जानकारी दी गई है। मतलब उसे कहते हैं उद्देश्य का IPC की, धारा 1 से लेके 5 तक, भाग एक। भाग दो धारा 6 से लेके 52A तक, भाग दो है जो IPC का, वो धारा 6 से लेके 52A तक है, ठीक है। इसमें क्या साधारणतः स्पष्टीकरण दिया गया है हर क्राइम का, छोटे मोटे क्राइम का, कि कैसे IPC को बिल्कुल क्लियर किया गया है इसमें IPC को। इसमें कोई स्पेशल पर्टिकुलर कोई धारा नहीं है जो इम्पोर्टेंट हो। लेकिन भाग तीन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, देखो इसमें क्या है, धारा 53 से लेके 75 तक। भाग तीन में क्या दिया गया है, धारा 53 से लेके 75 तक। इसमें क्या है, दंडों के प्रकार व विषयों के बारे में दिया गया है इसमें भाग तीन में। जैसे कि आपको पता ही होगा IPC की धारा 53, इसमें दिया गया है कि IPC में दंड 5 प्रकार के होते हैं। जैसे मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कारावास, संपत्ति का अधिग्रहण और जुर्माना, ठीक है, ये 5 होते हैं 53 में दिया गया। ऐसे ही जो भाग तीन है, जो मतलब 53 से लेकर 75 तक की धाराएं जितनी भी IPC की, उसमें सिर्फ अधिक ये दंडों के प्रकार व विषयों के बारे में दिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके भाग चार के बारे में। इसमें धारा जो भाग है IPC का चार, वो धारा 76 से लेके 106 तक है, ठीक है। इसमें क्या है, साधारणतः अपवाद दिए गए हैं। अपवाद का मतलब ये है कि जैसे IPC की धारा 302, मतलब हत्या करने पे आदमी को मृत्युदंड दिया जाता है, लेकिन अपवाद ये है, अगर कोई 7 वर्ष से कम उम्र का बच्चा हत्या करता है या कोई और क्राइम करता है, तो उसे हम सज़ा नहीं दे सकते। क्राइम तो उसने भी किया, लेकिन उसे हम सज़ा नहीं दे सकते 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे को, या कोई पागल व्यक्ति ऐसा काम कर देता है। तो इस तरीके के जितनी भी धाराएं हैं, वो 76 से 106 के बीच में, ठीक है, IPC की। दोस्तों और नेक्स्ट है भाग पाँच, देखो धारा 107 से लेके 120 तक। इसमें क्या है, अपराध करने के लिए उकसाना या साजिश या दुष्प्रेरण। भाग पाँच में क्या है, अपराध करने के लिए उकसाना या साजिश या दुष्प्रेरण, मतलब किसी को तुमने अपराध करने के लिए उकसाया है, तो आपको IPC के 107 से 120 के बीच में ही कोई धारा आपको लगेगी। जो मैंने पार्ट टू है उसमें अलग अलग धाराएं मैंने बिल्कुल क्लियर करके बताई हैं, तो उसे भी आप देख लें प्लीज़, ठीक है। अब बात करते हैं भाग 5A की। ये धारा 120A, बहुत इम्पॉर्टेंट धारा है ये 120A। इसमें क्या है, आपराधिक षड्यंत्र। अगर किसी अपराध को करने से पहले आपने षड्यंत्र रचा, पहले मतलब पूरी क्या कहना बना ली, योजना बना के आपने कोई अपराध किया, तो उसमें भाग 5A IPC की धारा 120A वो भी साथ में जुड़ती है उस FIR में, ठीक है। अब बात करते हैं भाग 6 की, धारा 121 से लेके 130 तक, ठीक है। इसमें क्या है, सरकार के विरुद्ध अपराधों से संबंधित है। आपने सुना होगा विद्रोह, राजद्रोह 124 IPC की धारा, विद्रोह कर देना, तो ये सरकार के प्रति विद्रोह कर देना 121A, इस तरीके की जो भी अपराध हैं वो धारा 121 से 130 के बीच में है IPC की, ठीक है। और ये भाग 6 है इसका। भाग 7 में क्या है, इसमें धारा 131 से लेके 140 तक दी गई है, ठीक है। देखो धारा 131 से 140 भाग 7 में, इसमें क्या है, नौसेना, सेना और वायुसेना से संबंधित अपराध। अगर मतलब सेना का या वायुसेना का या नौसेना का कोई जवान अफसर कोई अपराध करता है, तो उन पर इन धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। मतलब 131 से 140 IPC, अलग अलग धाराओं में हर धारा का डिफाइन अगले वीडियो में किया गया है कि हर धारा में क्या अपराध करने पर क्या सज़ा दी जाती है। तो अब बात करते हैं IPC के भाग 8 की। इसमें क्या है, धारा 141 से 160 के बीच में। इसमें हैं जो समाज में अशांति फैलाने जैसी संबंधित जितनी भी धाराएं हैं,
वो सब 141 से 160 के बीच में आ जाती हैं। जैसे हमने दंगा कर दिया किसी व्यक्ति ने, मतलब भाग 9 देख रहे होंगे आप स्क्रीन पर, किसी ने दंगा कर दिया तो आपको पता है दंगा के लिए 159 धारा लगती है। अगर आपने इल्लीगल वो 141 धारा उसके लिए देते, गैर कानूनी भीड़ इकट्ठी कर दी 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के लिए, तो कहने का मतलब अगर आपने भाग 8 के अनुसार समाज में अशांति फैलाने की कोशिश की तो वो सारी आईपीसी की धारा 141 से 160 के बीच में ही आप पर लगाई जाएंगी। अब भाग 9 इसमें धारा 161 से 171 तक है। इसमें क्या है, सरकारी या लोक सेवक से संबंधित अपराध। यहाँ सरकारी लोक सेवक कौन होते हैं पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। सरकारी लोक सेवक होते हैं जैसे DM हो गया, आपके जिला का SDM हो गया, न्यायाधीश हो गए, तो ये सारे सरकारी लोक सेवक आ जाते हैं, ठीक है। भाग 9 में अगर ऐसा कोई अधिकारी कोई क्राइम करता है तो उन पर ये भाग 9 के अंतर्गत 161 से 171 के बीच IPC की धाराएं लगाई जाती हैं उनके अपराध के अनुसार। अब एक है भाग 9A, इसमें धारा 171 ए है, वो निर्वाचन से संबंधित है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट आता है भाग 10, इसमें धारा 172 से 190 तक, ठीक है। इसमें क्या है, लोक सेवकों के आदेश को न मानने का अपराध। कहने का मतलब अगर DM ने कोई आदेश किया किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए कि आप ऐसा नहीं करोगे, आप इस ज़िले से बाहर नहीं जाओगे या ज़िले में ही रहोगे, तो अगर आपने उस आदेश की अवहेलना की या न्यायालय के आदेश की अवहेलना की, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आप पर IPC की धारा 172 से 190 के बीच में कोई भी जो आपके अपराध के मुताबिक होगी वो वाइल धारा आपके ऊपर लगाई जाएगी, ठीक है। तो ये भाग 10 था। अब बात करते हैं IPC के भाग 11 की, धारा 191 से 229 तक। इसमें क्या है, झूठे सबूत गवाही लोक न्याय के विरुद्ध अपराध। भाग 11 में है झूठे सबूत पेश करोगे या गवाही झूठी दोगे तो उससे संबंधित जो भी अपराध है वो भाग 11 में। भाग 12 धारा 220 से 263 ए तक, इसमें क्या है, भारत के सिक्कों या स्टाम्पों से संबंधित अपराध। मतलब सिक्कों और स्टाम्पों से संबंधित अपराध कैसे हो गए, जैसे सिक्कों का हमने क्या किया, गला के चांदी के रूप में बेच रहे हैं, सिक्कों को गला के और भी किसी काम में लगा रहे हैं, ऐसे अपराध, या स्टाम्प का घोटाला कर रहे हैं, तो बहुत सारे अपराध IPC की भाग 112 के अंतर्गत आते हैं, जो धारा हैं 230 से 263 ए तक, ठीक है। अब बात करते हैं भाग 13 की, धारा 264 से 267 तक। इसमें क्या है, मापतौल की चीज़ों में गड़बड़ी करोगे, बाटों में मापतौल में, तो उसके अंतर्गत जो भी अपराध होगा वो भाग 13 के अनुसार आप पर IPC की धारा लगाई जाएगी, ठीक है। भाग 14 धारा 268 से 294 ए तक, इसमें क्या है, लोक स्वास्थ्य सुविधा सदाचार आदि विषयों पर प्रभाव डालने वाले अपराध। तो ठीक है, ये तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन भाग 15 धारा 295 से 298 तक, ये इम्पोर्टेंट भाग है। 15 में क्या है कि अगर किसी के धर्म से संबंधित कोई अपराध किया गया है, ठीक है, तो वो भाग 15 के अनुसार धारा 295 से 298 के बीच ही लगी। अब एक बात बताना चाहूँगा यहाँ पे, जैसे किसी व्यक्ति ने कहा कि उसके धर्म को लेके कुछ अपराध हो गया, तो ये बात निश्चित है कि IPC की धारा 295 से 298 के बीच में ही कोई धारा होगी। अभी दे दे के ऑप्शन में दे दे के 305, 406 या 120 और एक दे दे 296, तो सीधी बात है कि अगर धर्म से संबंधित कोई भी अपराध है वो 295 और 298 के बीच में ही कोई IPC की धारा होगी, वही होगी, ठीक है। अब बात करते हैं भाग 16 की, धारा 299 से 377 तक है ये भाग 16, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है भाग 16, इसमें क्या है, मानव शरीर पर होने वाले अपराध। कहने का मतलब मानव के शरीर, मनुष्य के शरीर के साथ कुछ भी होगा, जैसे किसी का हाथ तोड़ दिया या किसी को चोट पहुंचा दी, सर फाड़ दिया या किसी की हत्या कर दी या किसी के शरीर के साथ बलात्कार करने की कोशिश की या किसी के शरीर के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की, मतलब मानव शरीर से संबंधित जो भी अपराध हैं वो IPC के भाग 16 के अंतर्गत जो धाराएं दी गई 299 से 377 तक, उन्हीं के बीच IPC की धाराएं लगाई जाएंगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसे सही से आप देख लें। भाग 17 इसमें क्या है, धारा 378 से 462 तक, इसमें क्या है, संपत्ति के विरुद्ध अपराध 378 से 462, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या है, जैसे चोरी डकैती ये सारी जितनी भी धाराएं वो भाग 17 में आ जाती हैं, ठीक है। भाग 18 में क्या है, धारा 263 से 489 डी तक, इसमें क्या है, दस्तावेज संबंधी अपराध, जो भी अपराध कागजात को लेकर किए गए वो उसके अंतर्गत आ जाते हैं। अब बात करते हैं भाग 19 की, ठीक है। भाग 19 का मतलब 490 से 492 तक धाराएं इसमें,
इसमें क्या सेवा या नौकरी से संबंधित कोई अपराध होगा तो वो इसके अंतर्गत आएगा। अब बात करते हैं भाग 20 की, 400 धाराएं इसमें 493 से 498 तक, ये इम्पोर्टेंट एक भाग है भाग 20 में। इसमें क्या है, विवाह से संबंधित अगर कोई भी अपराध होगा तो वो भाग 20 के अंतर्गत आ जाता है आईपीसी की। जैसे किसी को, लड़की को मारना पीटना शादी के बाद या उसे परेशान करना, तो ऐसे कोई भी अपराध है विवाह से संबंधित, वो 493 से 498 के बीच आईपीसी की धाराओं के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब है भाग 20 ए, इसमें क्या है 498 ए धारा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है भाई, इसे याद रखना। 498 ये दहेज, मतलब दहेज उत्पीड़न कह सकते हैं इसे, मतलब किसी को दहेज के लिए परेशान करना और उत्पीड़ित करना उसके पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा, तो वो 498 ए के अंतर्गत आ जाता है आईपीसी में। अब भाग 21, इसमें क्या है धारा 499 से 502 के बीच, ये क्या है मानहानि का है। ठीक है, मानहानि का। भाग 22 देख लो, धारा 503 से 510 तक, अपमान और क्षोभ के विषय में अपराध। भाग 23 में धारा 511 दी गई, इसमें अपराध करने की कोशिश के लिए विषय में। भाग 23 का मतलब है 511 जो आईपीसी की धारा है उसका मतलब आपने अपराध करने की कोशिश की तो वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे शेयर, कमेंट और लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे जो रेड बटन दिया गया है उस पर क्लिक कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे कि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो आपको अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, यहाँ पर हम स्टडी संबंधी बहुत सारी जानकारी देते रहते हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। थैंक यू सो मच।